हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसी एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है गाइस, वो है एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जो कि यस कहना चाहूँगी मैं कि जिसके जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल चला था। जब मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन दिया था तो वीव के ऊपर ही दिया था, जो कि था एमी विन रफ्तार की वीव के ऊपर। सबको पता है पूरा जो भी किस्सा था। तो अभी बीच में एमी वे लाइव आए थे तो किसी ने क्वेश्चन किया था उनको कि रफ्तार के साथ आप कब कोलैब करोगे, हम चाहते हैं कि आप उनके साथ भी कोलैब करो। सॉरी, कृष्णा के साथ बोला था। तो एमी मैंने आंसर दिया था कि वो जिनको भी कोलैब करना है वो सामने आए, मैं तो चाहता हूँ सब लोगों के साथ कोलैब करना, जो भी हुआ वो पुरानी बातें थी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने मतलब काफ़ी प्यार दिखाया कि हाँ, वो लोग भी चाहते हैं कि रफ्तार और एमी वे का साथ में कोई वीडियो आए। एंड उस इंस्टाग्राम लाइव के बाद मैंने एक वीडियो देखा है आज ही, अनलिमिटेड इंटरटेनमेंट जो कि रफ्तार का है, उसमें सड़क रीमिक्स के नाम से, सड़क आप लोगों को पता होगा, आई थिंक 3.5-4 साल पहले एमी वे ने ये डाला था और उसमें एमी वे और रफ्तार साथ में, उन्होंने साथ में कोलैब किया था। तब शायद रफ्तार के लिए एमी वे काम किया करते थे, ऐसी कुछ है, मुझे पूरा मामला नहीं पता है। तो ये अनऑफिशियल वर्जन है उस सड़क रीमिक्स का, सड़क म्यूजिक वीडियो का। तो देख लेते हैं गाइस कैसा है ये वीडियो। एंड वैसे जो मैं इंस्टाग्राम लाइव की बात कर रही हूँ, वो भी रफ्तार के चैनल पर ही अपलोड हुआ है, जिसमें रफ्तार ने नीचे से लिखा भी था कि क्या लगता है आप लोगों की रिमिक्स आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो रिमिक्स आ गया है, इसके लिए फटाफट से देख लेते हैं गाइस पहले रिएक्शन वीडियो, फिर बाकी बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन वीडियो। ओके, अनऑफिशियल वीडियो ये थोड़ा सा किसी कॉन्सर्ट का, थोड़ा सा जो वीडियो आया था सड़क उसका पार्ट है, थोड़ा सा ये लोग करते हैं ना ग्रुप में रैप करते हैं तो उसका पार्ट है। तो जो स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे थे ये लोग, कोई आई थिंक कहीं पर उन्होंने कुछ किया हुआ था प्रोग्राम वगैरह, वहाँ पर जो एनर्जी दिखाई दे रही है एमी वे रफ्तार के ऊपर, भाई साहब मतलब एमी वे की एक बात तो मैं बोलूँगी गाइस की, सॉरी ईयरबड्स जा नहीं रहे डब्बे में, एमी वे की एक बात तो मैं बोलूँगी गाइस की, एमी वे देखो रैप कैसा करता है क्या करता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमी वे के अंदर जो एनर्जी है ना, जिस तरह से वो उछल उछल के पूरी एनर्जी के साथ पूरे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। किसी भी आर्टिस्ट को अंदर से इंटरटेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग मज़ा ले पाते हैं। रफ्तार का भी, रफ्तार तो खैर है ही बड़े कलाकार। तो यार अनऑफिशियल वीडियो है ये, एंड मुफाड़ पीछे से दिखाई दे रहे थे वीडियो शूट कर रहे थे, और लिल गोल भी मैंने पीछे से देखे उसमें। तो इन लोगों का पहले पूरा ग्रुप हुआ करता था और बहुत अच्छा भी लगता था इन लोगों के रैप सॉन्ग सुना, लेकिन अब सभी लोग अलग अलग हो गए, मुफाड़ का अलग बीफ चल रहा है,
और एमवे का अलग चल रहा था, आपका खैर सब कुछ ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भुला के इन लोगों को साथ में फिर से कोलैब करना चाहिए, बिकॉज जनता, सच में जनता बहुत चाहती है ये चीज़ कि इन लोगों का कोलैब हो। और ख़ास तौर पे ये बहुत बुरा लगता है कि जब भी आप कमेंट सेक्शन खोलते हो, चाहे वो रफ्तार का सॉन्ग आ रहा हो, तो वहाँ पर एमवे की तारीफें मिलेंगी, रफ्तार की बुराई मिलेंगी। और अगर आप एमवे के सॉन्ग के नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हो, तो वहाँ रफ्तार की तारीफ और एमवे की बुराइयाँ मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ख़त्म होनी चाहिए, थोड़ा प्यार मोहब्बत लाओ यार, मतलब जनता को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों को साथ में कोलैब करना चाहिए या नहीं, मतलब आप लोग चाहते हो या नहीं, ये कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था एक छोटा सा अनऑफिशियल वीडियो जो कि रफ्तार ने अपने चैनल पर डाला है, छोटी सी क्लिप्स हैं जो कि ऐड की गई हैं। और हैशटैग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो गाइस आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, जो ओरिजिनल वीडियो है, इतना फाड़ू वीडियो है, इतना मतलब भयंकर वीडियो है, मतलब एमवे का बेस्ट वीडियो में से एक है वो, जिसमें उन्होंने इतने अच्छे से और इतने एनर्जेटिक रूप में अपना परफॉर्मेंस दिया है। नहीं देखा तो जरूर देख लेना आप लोग। मैंने रिएक्शन भी दिया था उसके ऊपर, 2 साल पहले रिएक्शन दिया था, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो गाइस कैसा लगा आपको इस अनऑफिशियल हैशटैग सड़क रिमिक्स के ऊपर मेरा वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे बाकी के वीडियो को भी देख लीजिएगा। मेरा व्लॉग चैनल का जो लिंक है, जो न्यू वीडियो आ गई है, उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी मैं। तो मिलती हूँ गाइस आप लोग को अगले वीडियो में, फिर किसी और वीडियो के रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।